सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां विस्तार दे नाल पंजाब बीजेपी ने एक होर वड्डा झटका लग्या। फिरोजपुर तो सीनियर आगू सुखपाल सिंह नन्नू ने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है, जिसनों लैके दोपहर 3 बजे सुखपाल सिंह नन्नू वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दस दिए कि सुखपाल नन्नू ने किसानी संघर्ष में अपना अहम रोल निभाया। सुखपाल सिंह नन्नू 2 बार विधायक के संसदीय सकत्र भी रह चुके हैं। सुखपाल सिंह नन्नू वालों खेती कानूनों के विरोध में बीजेपी छड्डन का ऐलान किया गया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पंजाब यात्रा से निकले ने, जिन्हों वालों 100 दिनों 100 हल्के कवर किए जाएंगे। लोगों की समस्यावां सुनिया जाएगा, जिसके चलदे सुखबीर सिंह बादल गुरु हर सहाय विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने व्यापार मंडल के आगुआ के नाल मीटिंग की, जिस दौरान उन्होंने व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान उस तो बाद उन्होंने व्यापार में पेश आई मुश्किलों बारे जाणू करवाया, जिसका सुखबीर बादल ने हल करन दा भरोसा दिता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल बादल के उम्मीदवार महेंद्रपाल सिंह चड्डा ने वर्करां दे नाल मीटिंग की। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार महेंद्रपाल सिंह के हक में प्रचार किया, मुड़ संगतां नूं सेवा करन दी अपील की। कि जिस वेले बिल्कुल नवा जिहड़ा खिडारी है वो खिडारी उन्हूं असी दौड़ विच शामिल करदे हाँ, असी हैरान हो जाने हाँ कि जिहदा नाम ही ना आया होवे वो ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल लै जाए। इस तरीके दे नाल सिरसा जी की कैपेसिटी किसी ने जज नहीं सी कीती, लेकिन 2 साल दे जिस तरह दौड़े हैं, जिस तरह के उन्होंने सोशल सर्विस की है, जिस तरह सिखी दी पगड़ी नू उत्ते लै के गए हैं, उन्होंने स्पीड इन्नी तेज है कि असी 25 तरीक उन्होंने गोल्ड मैडल भी देंगे, डायमंड मैडल भी देंगे, और दिल्ली दे सिखां दी पूरी ताकत असी सिरसा जी की ताकत दे नाल जोड़ देंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां होण जा रहीआं ने, इस नूं लै के उम्मीदवारां वल्लों अपना चोण प्रचार तेज़ कर दिता गया। इसे दे चलदिआं श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार रमीत सिंह स्मार्टी चड्डा वार्ड नंबर 8 विच वर्करां दे नाल मीटिंग करन लई पहुंचे। इस मौके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते हरमीत सिंह कालसा, श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप ने चड्डा के हक विच प्रचार किया। देखो संगत ने अपना मन बना लिया, केवल संगत कहती एक चीज़ देखनी है, कम कम ते कम, ना पार्टी ना धड़ा ना रिश्तेदारी, एको ही चीज़ आ। जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर घर की सेवा की आ, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के दर घर की सेवा की आ, गुरु नानक देव पातशाह जी के दर घर की सेवा की आ, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दर घर की सेवा की आ, उन्हां दे सेवा नूं अज वोट पाउणी आ, जो दिल्ली दे अंदर और देश दे अंदर और दुनिया दे अंदर सिखी दा परचम उपर होया है। अज हिमालिया दी चोटी जिड्डी उच्ची सिखी दी शान आ, हिमालिया दी चोटी जिड्डी, देश दे अंदर सिखां दी एक वक्री सरकार आ जिहड़े अपने फैसले करदी आ और वड्डियां वड्डियां सरकारां नूं चुकण नूं मजबूर करदी आ। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इन्हां सेवादारां नूं लोगों ने वोटां पाउणियां ने, और मैं अज दावे नाल कह चलिया, तुहाडा ही माइक होगा सारिआं दा, गिनती वाले दिन आप गल करांगे, 46 सीटां इलेक्शन हो रही, 46 गुरु की कृपा नाल 44 तो ज्यादा सीटां जितांगे, 44 तो ज्यादा सीटां। महाराज जी कोई वड्डी गल नहीं, जे गुरु की कृपा रही तो 46 भी हो जाएगियां, पर 44 तो ज्यादा सीटां जितांगे, और कई कैंडिडेटां दी जमानतां जब्त होण गईआं, अज कैंडिडेट हक्कां च बहण लग पए। देखो पूरी दिल्ली दे विच इक्को रुझान है, लोगों का इक्को काम है कि काम नूं वोट पानी है, और जिस पार्टी ने काम किया वोटां उहनूं पैणी है। तो अज एक पासे पूरी दिल्ली का एक इहो जिहा माहौल बन चुका
मैं समझदा कि 25 तरीक नूं जद रिजल्ट आणगे दिल्ली च 46 कहनी चाहिए वैसे 40+ सीटा आने। कश्मीर की कुड़ी की गल की आवे हुण चली गई है वापस, की तुहाडे नाल कोई राबता कायम होया भी क्यों गई है ते की रीजन की सी? देखो कोई उन्होंने घरेलू निजी गल सी और इत्थे जिस तरीके दे नाल सियासत की जा रही थी उस ते दबाव पाया जा रहा है दूजे तरीके दे नाल उन्हां बारे हो गए ने, बट मैनूं लगता है इहदा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा सब ठीक। केंद्र सरकार के निर्देशों मुताबिक नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टीम वालों पंजाब भर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटा की चैकिंग करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहब के मलौट गिदड़बाहा मुक्तसर सीवरेज प्लांटा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने इन्होंने बंद पे प्लांटा और उन्होंने कमियों बारे रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की गल कही। इस मौके टीम आए वातावरण प्रेमी संत बलवीर सिंह सिंचेवाल ने कहा कि वातावरण पूरी तरह दुरुस्त हो चुके हैं, अज चैक किए ट्रीट प्लांटा काफ़ी खामिया ने जिस वाल ध्यान देने की लड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इतिहासिक सोमनाथ मंदिर लई वख-वख प्रोजैक्टां दे वर्चुअल उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती मंदिर दे भूमि पूजन समागम विच भी शामिल होणगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन्हां प्रोजैक्टां दी नींह रखणगे उन्हां विच सैरगाह दा निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र ते पार्वती मंदिर दा निर्माण शामिल है। सोमनाथ दे नवीनीकरण मंदिर कंपलैक्स विच इन्हां योजनावां नूं अंतिम रूप दित्ता जाएगा। प्रधानमंत्री दा इह प्रोग्राम शुक्रवार नूं प्रस्तावित है। उत्तराखंड के चोन रुझेवियां कारण कांग्रेस के कौमी जनरल सकत्तर ते पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा हुण अगले हफ्ते होगा। पहला उन्होंने 16 या 17 अगस्त को चंडीगढ़ आना सी, हुण क्योंकि उत्तराखंड में चोन सरगर्मियां शुरू हो चुकिया ने इसलिए रावत के रुझेवे उत्थे कुछ वध गए ने। उन्होंने वालों अगले सोमवार या मंगलवार को चंडीगढ़ आने की उम्मीद है। कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल बैठक पिछों हरीश रावत नूं कहा कि वह पंजाब का दौरा करके सरकार नाल संगठन नूं तालमेल बना के चलण लई कहण। रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन नूं चंडीगढ़ आके पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नाल इस मामले नूं लैके गलबात करन दा भरोसा दिता सी। सोनिया के निर्देशों के मुताबिक ही रावत की फेरी नूं जोड़ के वेख्या जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों ने दस्सिया कि रावत वालों इस संबंधी पंजाब कांग्रेस की नवी टीम नाल गलबात करन दे नाल नाल इस मसले का हल करन लई मुख्यमंत्री दे नाल एक बैठक भी की जाएगी। डिप्टी कतल केस विच प्रोडक्शन वारंट ते लिया के लंबी पुछगिछ तो बाद पुलिस ने गुरुग्राम दे खतरनाक गैंगस्टर कौशल तो सारे राज जान ले ने। यह गल भी क्लीयर हो गई है कि कारोबारी टिंकू दा कातल पुनीत शर्मा डिप्टी मर्डर केस दी प्लानिंग विच मुख्य भूमिका निभा रहा सी। इस तों इलावा कौशल तो इस कतल विच शामिल शूटर्स दे इलावा हर एक मुलजम दी पछाण कर ली गई है। यह गल भी सामने आई है कि प्रीत नगर विच टिंकू दा कतल करन तो बाद पुनीत ने उत्तराखंड दे बाद हरियाणा विच शरण लई सी। लगातार कौशल दे संपर्क विच सी। इस तों इलावा कौशल तो पुलिस ने डिप्टी का कतल करने वाले शूटर्स के नाम भी जान लए ने ते डिप्टी के कतल में शामिल सारे मुलजमान की भी लिस्ट बना ली गई है। पुलिस हुण शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है, जदों कि उन्होंने परिवार वालों से भी दबाव पाया जा रहा है। कुछ गिरफ्तारियां होने तो बाद ही पुलिस अधिकारी डिप्टी मर्डर केस तो पूरी तरह पर्दा उठा सकेंगे। पुलिस के रिकॉर्ड की गल करिए डिप्टी मर्डर केस ट्रेस हो चुके हैं, पर जदों तक कोई गिरफ्तारी नहीं होंगी उदों तक पुलिस वालों कोई भी बयान साझा नहीं किया जाएगा। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।